उस आंख से नया लिंग पैदा हो जाता है, इसे कहते हैं वर्गीय प्रजनन। क्या नाम है इसका? वर्गीय प्रजनन होता है जब बीज के अलावा पौधे के शारीरिक भाग से नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रक्रम को वर्गीय प्रजनन या अंग्रेजी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यह भी भूमि के अंदर रहता है और इसके अंदर भोजन संचित होता है और जगह जगह जहाँ पर आंखें हैं इसमें, इन आंखों से नया तना उत्पन्न होकर के वायु तना बनता है, लेकिन मुख्य तना भूमि के अंदर होता है जिसके अंदर भोजन संचित रहता है, इसको कंद कहा जाता है और यह भी भूमिगत तना है। समझिए, डिस्क के तरह की रचना है, इस डिस्क के तरह की रचना से तना है और इसके अंदर जो भोजन संचित है मांस इसमें रहता है, पत्तियों में जो हम लोग खाते हैं, लोग खाते हैं ना, गाय खाते हैं, मांस पत्ती खाते हैं, तो भूमिगत तना वायव्य बाहर निकल जाता है, वो वायव्य तना, और उसमें जो भोजन बनता है वो भोजन इन पत्तियों में आकर के जमा हो जाता है, जिसको हम लोग खाते हैं। भोजन कैसे बनता, प्रोसेस वही होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। अब आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है और उसके अंदर कौन कौन से कारक चाहिए होते हैं। सवाल समझ गए मेरे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन कौन से कारक चाहिए होते हैं, रजनी बताइए।